गाइस मैं आया हूँ अभी सेक्टर में थार को लेके। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब आप गाड़ी यू टर्न लेते हैं तो यू टर्न कैसे लेंगे, गाड़ी में और डिवाइडर में कितना आपको गैप रखना चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, अभी चलते हैं। गाड़ी मैंने ड्राइव मोड पे लगा दी है और अभी ये तो पास है, अगले वाले टर्न से मैं आपको राइट लेके दिखाऊंगा। तो अगले वाले टर्न पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सीट बेल्ट की वार्निंग आ गई, सबसे पहले आपने सीट बेल्ट लगा देनी है। तो सीट बेल्ट मैंने लगा दी है, ये राइट साइड में गाड़ी आ रही है, ये ब्रेकर है। अभी मैंने बिल्कुल गाड़ी है ना डिवाइडर के साथ सटा रखी है और अभी मैं आपको यू टर्न लेके दिखाता हूँ। ये देख लो, अभी मैंने यू टर्न लिया, स्टेयरिंग पूरा काटा मैंने और देखना गाड़ी कितनी लंबी जाएगी। ये देखो ये गाड़ी पूरी कट गई है और अब देख लो गाड़ी कहाँ आ गई। और एक दूसरा ट्रिक आपको बताऊंगा मैं अभी ये दोबारा आएगा। तो जब भी अभी मैंने जो टर्न लिया था वो डिवाइडर के साथ से लिया था, अभी आपने क्या करना है, डिवाइडर से ना थोड़ा सा इधर करके रखना है 1-1.5 फुट, तो आपकी जो कटाई है वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी। गाड़ी गाड़ी का फर्क रहता है, तो जो छोटी गाड़ी होती है वो छोटी कटाई में कट जाएगी। अभी देखो मैंने साइड में कितना गैप है साइड वाले मिरर में, अभी मैं गाड़ी को पूरी काटूंगा। ये देख लो मैंने पूरी गाड़ी काट दी और अभी देखना, ये देख लो पहले वाली कटाई में और अब वाली कटाई में देख लो कितना फर्क है। तो आपने जब भी गाड़ी पे यू टर्न लेना है, अगर रोड ज्यादा चौड़ा है तो आप कैसे भी डिवाइडर के साथ से भी टर्न ले सकते हैं, पर जब रोड बिल्कुल छोटा होता है, पतली रोड होती है, तो आप अगर ऐसे डिवाइडर के साथ से यू टर्न लेंगे तो आपको बैक करनी पड़ेगी। तो अभी हम चलते हैं सेक्टर वाले रोड पे, अंदर वाली रोड पे चलते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो पतली रोड है उस पे आपको टर्न लेके दिखाता हूँ मैं। तो अभी ये सेक्टर के अंदर रोड पे हम घुस जाते हैं। ये देखो गाइज, ये सामने है ना आपको गाड़ी जो है, ये व्हाइट वाली गाड़ी राइट टर्न ले ली है। अभी मैं देखो डिवाइडर के बिल्कुल साथ हूँ और जब भी आपने राइट टर्न लेना इंडिकेटर देना, मैंने इंडिकेटर दे दिया। अभी देखना मैं ये पूरी गाड़ी काट दी और देखना गाड़ी कहाँ तक जाएगी, कितना आगे तक जाके और टर्न लेगी। ये देखो गाड़ी बिल्कुल खंबे के वहाँ तक ली है गाड़ी और देखो बिल्कुल रोड से ना नीचे ही उतर गई थी, एक टायर तो नीचे ही उतर गया था। अभी मैं आपको दोबारा से टर्न लेके दिखाता हूँ इसी कट पे, ये जो सामने दो मैडम जा रही है ना यहाँ से लेके दिखाऊंगा। तो अभी देख लो मेरे, जितना भी आप लेफ्ट दबा के टर्न लोगे ना उतना ही आपको फायदा है, ज्यादा लंबी कटाई नहीं होगी। अभी देखो आप साइड वाले मिरर में कितना गैप है और जैसे ही आप यहाँ आए और स्टेयरिंग आपने पूरा काट दिया, जैसे ही आप पूरा स्टेयरिंग काटेंगे अभी देखना, ये देखो गाड़ी पूरी कट गई और रोड पे ही रही। ये जो रोड साइड में टूटा हुआ है इसलिए थोड़ी सी गाड़ी में डिस्टर्बेंस हुई है। अभी मैं वापस इसी रोड से वापस आपको टर्न लेके दिखाऊंगा, इसी से हमने टर्न लिया था। अभी मैं पूरा स्टेयरिंग काट देता हूँ, ये देखो मैंने स्टेयरिंग काट दिया और देख लो पहले गाड़ी बिल्कुल खंबे के पास गई थी, अभी देख लो कितना गैप है खंबे में और देख लो मेरी गाड़ी बिल्कुल ना सेंटर में आ गई। इसी रोड पे दोबारा मैं आपको टर्न करके दिखाता हूँ। और जब भी आप रोड पे चल रहे हैं तो हमेशा सेक्टर वाली रोड से चल रहे हैं, डिवाइडर से थोड़ा सा गैप बना के चलें, क्योंकि कई बार क्या होता है कुत्ता हो गए, गाय भैंस हो गई, वो एकदम निकलाते हैं। तो आपको डिवाइडर के साथ चलेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा आपको लेफ्ट लेना है राइट, एकदम आप हड़बड़ाहट में गाड़ी डिवाइडर के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। तो अभी देख लो ये टर्न आ गया है, बिल्कुल पतला टर्न है, तो आपने गाड़ी थोड़ी लेफ्ट में बढ़ा दी है और अभी आप देखना मैंने स्टेयरिंग काट दिया है, इंडिकेटर मैंने दे रखा है पीछे से, ये गाड़ी आ गई, इसको निकलने देते हैं। तो अभी आप देखो मैंने गाड़ी थोड़ी बढ़ा के कर रखी थी और देखो ये गाड़ी कट गई, बिल्कुल आराम से कट गई, देख लो कितना गैप है, रोड के ऊपर ही रही, हालांकि ये रोड टूटा हुआ है बट ये अगर रोड होता रोड पे ही। अभी मैं आपको बिल्कुल डिवाइडर के चिपका के और फिर टर्न लेके दिखाऊंगा वापस से। तो अभी इंडिकेटर दे दिया आपने, पीछे वाले को पता रहे ना कि आपने यू टर्न लेना है। तो अभी देखो इसने बिल्कुल पास से लिया, ये देखो गाड़ी कितनी आगे तक गई है गाड़ी, तो अभी देखना मेरी भी गाड़ी इतनी जाएगी, ये देखो इससे भी ज़्यादा ही गई है, आंटी के बिल्कुल पास से निकलेगी गाड़ी, ये देखो। अभी मैं आपको बिल्कुल डिवाइडर के साथ से उसी कट पे यू टर्न लेके दिखाऊंगा
और देखना, क्योंकि उधर वाला जो रोड है ना वो थोड़ा सा तंग है और इधर वाला रोड आप देख रहे हैं वो काफी ज्यादा चौड़ा है। आप उधर राइट साइड में देखो वो बिल्कुल पतली सी रोड है। तो अभी मैं आपको दोबारा अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ। 50 मीटर रहता है, आपने इंडिकेटर देना है पहले। ये मैंने इंडिकेटर दे दिया है। अभी देखो डिवाइडर के बिल्कुल साथ है, ज़्यादा गैप नहीं है। और मैं देखो अभी टर्न लूँगा, अभी देखना एक अटेम्प्ट में होएगा नहीं। ये देखो अभी ये गाड़ी आ रही है, गाड़ियों को निकलने देते हैं। ये देखो गाड़ी, देखो बिल्कुल पास में गया है उसके बोर्ड के, थोड़ा सा बैक ले लेते हैं। गाड़ी टच तो नहीं होगी पर फिर भी। ये देखो अभी मैंने गाड़ी थोड़ी बैक ली और ये देख लो, पहले इस एल्टो गाड़ी से काफ़ी इधर थी गाड़ी हमारी, और अब देखो मैंने राइट टर्न लिया है, नहीं तो वो एल्टो में भी टच हो सकती थी गाड़ी। ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, स्टार्ट करने से पहले हमेशा अपनी सीट बेल्ट को लगा के रखें। तो ये थी छोटी सी टिप्स, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपने किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।